तो देखिए गाइस, ये है एक फाइव के बी ए का ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर, नताशा कंपनी का है ये। इसका बोर्ड पूरा जल चुका है, ये मॉसफेट भी फट गए हैं। ये 12 वोल्ट कंट्रोल का ऑटोमेटिक का बोर्ड है स्टेबलाइजर का। ये टोडो ट्रांसफार्मर है, यह है इसका रिले, 1 2 3 4 4 रिले, और ये है 5 रिले। ये है इसका MCB, ये इसका वोल्ट मीटर। देखिए गाइस, ये है नताशा कंपनी का। ये ट्रांसफार्मर तो ठीक ही है, इसका बोर्ड खराब हो गया है कट। अभी मैं सेम ही एक बोर्ड इसको मैं अभी यहाँ पे फिटिंग करूँगा। ये ओरिजिनल वाला का इधर में हीट सिंक है, लेकिन यहाँ पे हीट सिंक नहीं है। ये भी 24 का ही है, मैं आप लोगों को इसको खोल के दिखाता हूँ। अभी ये मैंने खोल लिया है, ये है नया वाला और ये है इधर में पहले जो था पुराना वाला। सब कुछ सेम ही है इसका भी। देखिए गाइस, इसको अभी फिटिंग करूंगा, उसके बाद आप लोग को दिखाऊंगा कि कैसे वार करता है। इसका ये टाइमर प्रीसेट है, यूएर टाइमर जो है टाइम कंट्रोल करने के लिए, और ये है एडजस्ट करने के लिए वोल्टेज। इधर से देखिएगा कैसे जल चुका है ये। ये तो पहाड़ी इलाका का है ना, इसलिए ये जल चुका है, क्योंकि वहाँ पे बिजली मारने से ये सामान खराब हो जाता है। अभी मैं लगाऊंगा, लगाने का बट आप लोगों को दिखाऊंगा। ये है इसका 20 वोल्ट का कनेक्शन, ये आप दिखाता हूँ। ये है 20 वोल्ट कनेक्शन, ये है आरएलसी कनेक्शन, ये है रिले 1, रिले 2, रिले 3। आरएलसी मतलब ये है आपका न्यूट्रल का आउटपुट रिले, ओपी टीएम टाइमर रिले, ये है ओपी। तो देखिए गाइस, इसका फिटिंग अभी कंप्लीट हो गया है। ये था पुराना वाला सर्किट, देखिए कैसे ब्रस्ट हो गए हैं अभी ब्रस्ट। और ये है नया वाला सर्किट, मैंने पूरा तरह सब कनेक्शन ही लगा दिया अच्छी तरह से। इसमें कोई सोल्डरिंग का काम नहीं है, सिर्फ इस टेस्टर की मदद से आप आसानी से इसको लगा सकोगे। ये देखिए पूरी तरह से टाइट हो गया है। तो अभी मैं इसको टाइमर को एडजस्ट करूँगा, इस टाइमर को। ये था पुराना वाला, ये है नया वाला, ये आप एडजस्ट करना पड़ेगा। एडजस्ट करने के बाद आप लोगों को दिखाऊंगा फिर से।